ब्रह्म स्वरूपा, आत्म स्वरूपा, सच्चिदानंद स्वरूपा की पदवी मिलती है। वो पवित्रता, उसको अपना ओरिजिनल नेचर यानी उसकी मूलभूत प्रकृति प्राप्त होती है। आपकी मूलभूत प्रकृति, मूल प्रकृति क्या है? आपका मूल स्वभाव, ओरिजिनल नेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, आप आत्मा है और आपका जो स्वभाव है ये आपकी नेचर है। ये आज भी स्वभाव है लेकिन ये मूल स्वभाव नहीं है। आज हमारा स्वभाव संसार में फंसा हुआ है, विषय भोगों में फंसा हुआ है, इच्छाओं को पूर्ण करने लगे हुए हैं। होती तो नहीं है लेकिन प्रयास करते रहते हैं, भगवान को भुला चुके हैं और संसार में भाग रहे हैं, संसार के भोगों को समेट रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये आज भी हम भावना रखते हैं लेकिन ये भावना कंटामिनेटेड यानी बिगड़ी हुई है, गंदी भावना है, पवित्र भावना नहीं है। पवित्र भावना, ओरिजिनल नेचर, उसके अंदर तो जो आपकी शुद्धतम भावना है उस पोजीशन में तो आप अति पवित्र हैं, भगवान के सदैव प्रिय हैं, भक्त हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ही आपको बुला लेते हैं उस समय। लेकिन उस पवित्र भावना को प्राप्त करने के लिए हमको ये जो जब सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं ऐसे ही संसार की धूल छा गई है। हमारी पवित्र भावना को तरह तरह के रंगों ने कलरफुल बना दिया है, काले, पीले, नीले, धौले, सफेद इत्यादि रंगों ने जो हमको भर दिया है हमारी पवित्र शुद्धतम भावना को। विकार पैदा हो गए इस भावना में, उन विकारों को दूर करने के लिए भगवान उपाय बतला रहे कि मेरी शरण में आइए, मेरी शरण ग्रहण कीजिए। भागवत के अंतिम श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, सभी प्रकार के तरह तरह के जो सो कॉल्ड रिलीजन्स, तरह तरह के धर्मों की तू बात करता है, ये सारे धर्म त्याग दे, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आने वाले के पास ही सब धर्मों की सच्चाई मिलती है। जो भगवान की शरण में नहीं है उसके दूसरे धर्म भी झूठे हैं। कोई कहता है मेरा धर्म तो ये है पति की सेवा करना, कोई कहता है मेरा धर्म है पिता की सेवा करना, कोई कहता है मेरा धर्म है देश की सेवा करना, कोई कहता है मेरा कैथोलिक धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, कोई हिंदू धर्म है, कोई सिख धर्म है, कोई कहता है मैं बुद्ध धर्म का हूं। जो उस परमेश्वर की शरण में नहीं जाए तो ये धर्म थोते रह जाते हैं, केवल नाम मात्र के रह जाते हैं, केवल एक संगठन और लड़ाई के केंद्र बन जाते हैं। नहीं, ये संगठन बना के हमको भगवान की ओर जाना चाहिए, सबको मिलके भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के कहे हुए मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान की आज्ञा का, इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए, उपदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान उपदेश देते हैं कि ये जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए मेरी शरण लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति मेरी शरण नहीं लेते वो कैसे ये जन्म मरण से छूट जाएंगे, कैसे इस जंजाल से सुलझ जाएंगे, ये सांसारिक दलदल में फंसे हुए लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं दलदल से जो मेरी शरण नहीं ले। यहां पर उपदेश भगवान यही कर रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय मामा श्रित यतंती ते ब्रह्म तद्विदुः।
तो ऐसे आत्मा स्वरूपा, ऐसे पवित्र हुई आत्माएं पूरी तरह से जानते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है। वो जानते हैं भगवान की सेवा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो ही कर्म असली कर्म कहलाते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम, संपूर्णता से जानते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, वो अपनी शुद्ध हुई भावना से जान जाते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है। तीन प्रकार के कर्मों की विशेष करके भगवान ने शिक्षा दी है, अकर्म, सकर्म और विकर्म। विकर्म तो घृणित कर्मों को कहा है, ये विकर्म तो आदमी को नरक की ओर ले जाते हैं। जितने भी बुरे कर्म हैं प्रकृति के खिलाफ किए जाने वाले, शास्त्रों के खिलाफ किए जाने वाले, संत वाणी के खिलाफ किए जाने वाले जो कर्म हैं वो विकर्म कहलाते हैं। और ये कर्म करने वाला, ये विकर्म करने वाला, ये कुकर्म करने वाला व्यक्ति तो नरक का मार्ग ढूंढता है या कुत्ते बिल्लियों में जाने की कोशिश करता है, गधे घोड़ों में, भैंसों में, सुअरों में, वो 84 लाख योनि में फिर भटकने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, विकर्म करके, कुकर्म करके, घृणित कर्म करके। इन कर्मों से तो सदैव सभी को बचना चाहिए, इतना तो ज्ञान मनुष्य योनि में होना चाहिए। फिर सकर्म है, कर्म करते हैं और फल की इच्छा करते हैं, याचना करते हैं कि हम कर्म करेंगे हमको फल चाहिए वरना नहीं करेंगे। जितने भी कर्म हैं करेंगे लेकिन हमको फल चाहिए, उसका फल नहीं मिले तो हम क्यों करें। फिर उस फल को ये सकर्म क्यों कहलाए कि ये जो फल आता है इसको फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, भगवान की सेवा में तो लगाते नहीं, शुभ कार्यों में भी नहीं लगाते, भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो ये सकर्म जो है संसार में बार बार जन्म लेने को प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं और इंद्रिय तृप्ति कभी तृप्त नहीं होती, और जब तृप्त नहीं होती तो इन्हें तृप्त करने के लिए बार 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 जन्म लेते हैं अपनी भावना के अनुसार। भावना यदि लोअर है, निकृष्ट है, तो निकृष्ट योनि में जाते हैं। भावना यदि उच्च श्रेणी की है संसार को भोगने की, तो अधिक से अधिक देवलोकों तक जाते हैं, वहां भी भोग करने जाते हैं। देवलोकों में भी भोग है, यहां से बहुत अधिक मात्रा में बहुदायत में वहां पर भोग है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृतलोकम विशन्ति, तो आप भोग करते हैं देवताओं के भोग, अप्सराओं के, सुरा सुंदरियों के, चमकीले विमानों के, पावर के, देव शक्ति के। ये भोग करते करते जब हमारे पूर्ण क्षीण हो जाते हैं तब फिर हमको वापस नीचे गिरना पड़ता है मनुष्य योनि में, या कभी सुअर की योनि में भी, पेड़ पौधों की योनि में भी। देवताओं का पतन हो जाता है, देवलोकों से पतन हो जाता है आत्मा का। ये अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके देवलोक प्राप्त होते हैं, लेकिन वो भी सकाम कर्म है। महाराज 101 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, किस लिए? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, पूरी पृथ्वी का भोग करने के लिए, या फिर स्वर्गलोक का भोग करने के लिए। तब तो स्वर्गपति इंद्र अश्व का घोड़ा चुराता है,
कि मेरे पद को छीनने के लिए 101 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो सकाम कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, लेकिन उसका फल चाहिए। 10 रुपए दान में खर्च करना चाहते हैं लेकिन उसका 1000 रुपया चाहिए, ये सकाम कर्म है। सकाम करने वाला, कर्म करने वाला बार बार जन्म लेता है इस धराधाम पर या मैटेरियल वर्ल्ड के अंदर, भौतिक संसार में, ऊपर या नीचे कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म है तो थोड़ा ऊपर चला जाता है ऊंचे लोकों में, बुरे कर्म है तो नीचे लोकों में चला जाता है, कभी कभी ऊंची योनियों में, कभी कभी नीची योनियों में चला जाता है, कभी गंधर्व किन्नर और देवताओं की योनि मिल जाती है पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से, और कभी कभी कुकर्म करने से, बुरे कर्म करने से नीची योनि भी मिल जाती है। सकाम कर्म में सभी तरह के कर्म आ जाते हैं, मनुष्य योनि में बार बार आता है, या इससे स्लीप हो जाए कभी तो बंदर कुत्ते बिल्लियों में चला जाता है, गधे घोड़ों में चला जाता है। अकर्म भगवान ने कहे श्रेष्ठ, अकर्म को निष्काम कर्म कह के भी जाना गया है, जिन कर्मों को भगवान के लिए किया जाता है, जिन कर्मों को करके फल नहीं चाहिए, फल की याचना नहीं करता। कर्म योगी फल की याचना नहीं करता, वो कर्म करता है और उसके फल की इच्छा नहीं करता। फल आता भी है तो उसको सत्कर्मों में लगा देता है, भगवान की सेवा सत्कर्म है। सत्कर्म मीन्स जो सत्य के लिए किया जाए, और सत्य भगवान है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। तो सत्कर्म क्या है? निष्काम कर्म, जो परमात्मा की सेवा में लगाए जाते हो और वो कर्मों का फल नहीं मांगता हो कर्म करने वाला। जैसे कभी गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, गुरु हृदय में बैठे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे ही मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, जो निष्काम भाव से सेवा करता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों की और साधु संतों की, और किसी की भी, लंगड़े लूले की, गरीब की, परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है, वो गोविंद का सर्वत्र वास है, सब जगह वो है। जहां आपका भाव उदय हो कि मेरे गोविंद ये विराज रहे, वहां सेवा कर दीजिए और फल मत मांगिए। गोविंद की सेवा करके कोई फल मांगता है? कोई गोविंद को एक फल अर्पण करके क्या आप चाहते हो कि गोविंद मुझे 10 फल दे? नहीं, आपके पास फल है वो गोविंद का दिया हुआ ही है, उसको गोविंद को अर्पण कर देना यह आपकी मानता है, इससे गोविंद प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि गणेश जी के आगे एक नारियल तोड़ दिया और हाथ जोड़ के इधर उधर देख के बड़बड़ाने लग गए कि गणपति बाप्पा सारा आनंद है, एक कार की जरूरत और है, ये भी इच्छा पूर्ण कर दो। तो ये तो बिजनेस है, ये तो सकाम कर्म है, ये गणपति की सेवा नहीं है, ये परमात्मा की सेवा नहीं है। जरा मरण मोक्षाय मामा श्रुतियतंती, भगवान की शरण में रह करके जो प्रयत्न करता है, जो कुछ करता है उनके लिए करता है। यद करोसि यद अश्नासि यद यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तद् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती के पुत्र अर्जुन,
जो जो भी कुछ करता है तू यद करोसी, जो कुछ करता है, यदश्नासी जो कुछ खाता है, यज्जुहोसी जो कुछ यज्ञ हवन आहुतियां देता है, दान पूर्ण करता है, ददासियत जो कुछ देता है, दान देता है, श्रम दान करता है, ज्ञान दान करता है, या धन दान करता है, या यज्ञ आहुतियां देता है, यज्ञ में सबको वस्त्र पहनाता है, प्रजा को खुश रखना चाहता है, जो कुछ करता है, गरीबों को बांटता है, अस्पताल बनवाता है, किसी के दुख तकलीफ में काम आता है, श्रम दान करता है, ददाति जो कुछ देता है, यद करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, यद तपस्यसि कौन्ति, और जो तू कुछ तपस्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो सब मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, मुझे प्राप्त करने के लिए कर, मेरी शरण ग्रहण करने के लिए कर, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे रिझाने के लिए, ये सारे तेरी क्रिया कर्म कर। यद करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, यद तपस्यसि कौन्ते तद् कुरुष्व मदर्पणम्, हे कुंती नंदन वो मुझे अर्पण कर। कितना शुद्धतम ज्ञान भगवान दे रहे हैं। अर्जुन हम लोगों के कल्याण के लिए शंकालु बना हुआ है, शंका करता है कि ऐसा करने से क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी नयमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती के पुत्र, ऐसा करने से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र तू धर्मात्मा हो जाएगा। धर्मात्मा, जिस आत्मा के साथ धर्म रहता है, पवित्रता रहती है, प्योरिटी रहती है, भगवान रहते हैं, भगवान का प्रेम रहता है, वो धर्मात्मा। शश्वत शांति निगच्छति, और इटर्नल पीस, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो ये संसार के रोग धोग व्याप्त नहीं होंगे, ये जलन ईर्ष्या काम क्रोध मद ये नहीं सताएंगे, ये मृत्यु जन्म जरा व्याधि नहीं सताएंगे। तो शाश्वत शांति को प्राप्त होगा, वैकुंठ को प्राप्त होगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, एक कुंती पुत्र, नैमि भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान हमको समझा रहे हैं कि अरे नादान, मेरी ओर आ जा, जो भी तू कुछ करता है, ये जरा मरण से छूटने का जो प्रयत्न करता है, सुखी होने का जो साधन जुटाता है, वो मेरी शरण में रह करके, मेरी छत्र छाया में रह करके, मुझे स्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए, मुझे रिझाते प्रसन्न करते हुए, मुझसे बातें करते हुए, मुझसे प्रेरणा लेते हुए कर, तब तो ब्रह्म स्वरूपा पवित्र हो जाएगा, पवित्र महात्मा हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा, तेरे हृदय में मेरा प्यार प्रेम उमड़ेगा, मेरी भक्ति मेरी पराभक्ति तुझे प्राप्त हो जाएगी। ते ब्रह्म तद्विदु, उस समय तू पूर्ण रूप से समझ जाएगा कि भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, भगवान को किस प्रकार से रिझाना चाहिए, भगवान को कौन सी वस्तु पसंद है। इस समय भगवान कौन सी सेवा मांग रहे हैं, कौन सी सेवा करनी चाहिए, ये पूर्ण रूप से समझने लग जाएगा। उनकी सेवा का परम आनंद परम लाभ तुझे मिलता रहेगा अनादि काल तक, शाश्वत।
इससे बड़ा तो कोई लाभ नहीं है संसार में, इससे बड़ी तो कोई सफलता नहीं है विश्व में। क्या है ये परम लाभ है जीवन का, मनुष्य जीवन का। मानुषो दुर्लभो देही, देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम।